कंसिस्टेंसी देखें तो ये तो मतलब इलाहाबाद के छटोरे, इनका प्राइस और इनकी वैरायटीज जो 20 रुपए में आपको मसाला डोसा दे दे। हाय आई एम पीयूष। 150 का है केवल? 150 का है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलाहाबाद के छटोरे। और आज हम लोग आए हैं डिवाइन प्लेस रेस्टोरेंट में, जिसका हम लोगों ने एक वीडियो होम डिलीवरी का लाया था आपको लॉकडाउन के टाइम पे। तो खैर, हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब हम आपको इनके रेस्टोरेंट की सैर करा दे, रेस्टोरेंट की विजिट करा दे, जो कि बहुत फेमस हो चुका है अपने कम टाइम, इतने कम टाइम में। क्योंकि इनकी जो USP है, मतलब जो यूनिकनेस है, वो है इनका प्राइस और इनकी वेराइटीज़। मतलब ये इतने कम प्राइस में इतनी वैरायटीज ऑफर कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद में, हमारे शहर प्रयागराज में, और कोई रेस्टोरेंट इस तरह से करता होगा या कर पाएगा। अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं है कि जो 20 रुपए में आपको मसाला डोसा दे दे, 20 रुपए में आपको नूडल्स दे दे, चाउमिन दे दे, और भी बहुत कुछ है जो 20 रुपए में इनके पास मतलब 5 से 6 वैरायटीज हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये मतलब क्या है। तो अब यही है जो है, आज इसी की बात करेंगे, इन्हीं के खाने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी लोकेशन है लक्ष्मण मार्केट। आप लक्ष्मण मार्केट आइए, आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा डिवाइन प्लेस का। आपको कुछ नहीं पूछना है, आप बस सीधा बोर्ड के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे आना है, आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये खाने से पहले यहाँ के ओनर निशु भैया से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ का मेन्यू डिज़ाइन किया है या जो भी यहाँ की खासियत है वो क्यों है, और इन्होंने क्या सोच के ऐसा किया है, और इनका जो स्पेशल कुछ आज का जो इन्होंने अपनी तरफ से स्पेशल बताया है कि शेफ स्पेशल है, वो है पिंक डोसा। तो इस सब के बारे में आप मतलब जानते हैं इनसे। और भैया बताइए। हेलो, मतलब हेलो, हाय आई एम पीयूष, पीयूष कुमार केसरवानी, ऑनर ऑफ द डिवाइन प्लेस रेस्टोरेंट। हम लोग ने देखा था कि लॉकडाउन के समय हर आदमी, सबके पास इतना पैसा नहीं थे कि रेस्टोरेंट जाके वो अफोर्ड कर सके। तो हम लोग ने कुछ ऐसा किया कि सब कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तीनों को ध्यान में रखते हुए उनको मैंने उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया। इसमें ये है कि क्वांटिटी और रेट, क्वांटिटी इसलिए कम दी गई है कि रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा वेस्टेज रहती है फूड की, इस वजह से हम लोग ने क्वांटिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि एक सफिशिएंट बंदे के लिए कितना खाना, फूड सफिशिएंट है, उस हिसाब से हम लोग ने रेट और क्वांटिटी डिज़ाइन की। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा कि पहले हम लोग का जनवरी से मैंने स्टार्ट किया सेटअप, अप्रैल तक अच्छा खासा चला, फिर लॉकडाउन सेकंड वेव, कोरोना का सेकंड वेव आ गया, का लॉकडाउन लग गया, उस वजह से हम लोग ने बंद रखा। जुलाई 21st ये ओपन फिर हुआ, गवर्नमेंट की अप्लाई आई कि आप खोल सकते हैं, पेरेंट्स डिनर डाइनिंग करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने, हमारे शेफ़ ने कहा कि सर 20 रुपये का डोसा हम लोग ने काफ़ी बेस्ट खा चुके हैं और 20 खा चुके हैं, इसमें हम लोग कुछ और ऐड करते हैं। इस बार हम लोग ने चाइनीज़ प्लेटर लेके आया, जैसे ये आपका है 150 रुपये का, ये 150 का है, 150 का है, ठीक है, चाइनीज़ प्लेटर है। पिंक डोसा है 35 रुपीज़ का। ये यही खास बात है कि आप डोसा का जो रेट है यहाँ पे वो मतलब मैच ही नहीं कर सकते आप कहीं भी जी, चाहे वो 20 रुपये का मसाला डोसा हो या 35 रुपये का पिंक डोसा हो या 50 रुपये का पनीर डोसा हो, आपको पिंक डोसा में आपको चटपटी आलू, मतलब खट्टा और मीठे का दोनों चीज़ का आपको वो मिलेगा, टेस्ट आएगा। और इसके साथ आप आइए नूडल्स डोसा में, स्प्रिंकल डोसा कह सकते हैं, दोनों चीज़ इसको कह सकते हैं। ये हमारा चार टिकिया, फुल टिकिया है, ये हमारी वेज बिरयानी आई है, आपकी लॉन्च किया है, 20 रुपए की हम लोग की टिकिया है, किसी भी ठेले 40 रुपीज़ का हमारा स्प्रिंग डोसा है,
और ये वेज बिरयानी 100 रुपीस की है। 100 रुपीस की मतलब ये तो लगभग एक से दो लोग के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है मेरे हिसाब से तो। और टिक्की आप बाहर भी खाते हैं करीब 15 से 18 रुपए की पड़ी जाती है। जी जी। आप अब हम लोग इसके साथ टिकिया के साथ हम लोग ने पानी पूरी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 15 रुपए की 10 पानी पूरी 15 रुपए की आपकी 10 की 6 तो बाहर मिलती है। 10 की 6 बाहर मिलती है। 15 की 10 मैं दे रहा हूँ, तब भी एक ज्यादा मिलेगी। कोविड का जो टाइम चल रहा है उसको देखते हुए हम लोग ने हाइजेनिक पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। सो ये थी इनसे बातचीत और अब इनका टेस्ट करते हैं क्या जो भी प्रोडक्ट्स इन्होंने बताया कि इसमें खट्टा मीठा होगा। ये टिकिया वैसे थोड़ी सी चटनी थी वो मैंने ट्राई किया था, चटनी तो बहुत बेहतरीन थी। चलिए अब पूरा देखते हैं, फिर आप तो हैं ही आगे लगे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंडियन स्टार्टर से, टिकिया से। तो अब जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें मतलब 20 रुपए में इतनी सारी चीज़ें और एक रेस्टोरेंट में तो इम्पॉसिबल सही है, बट आपको यहाँ पे सब पॉसिबल लगेगा। जो भी चीज़ें सब पॉसिबल हैं तो डिवाइन प्लेस में। जो ठेले पे बेस्ट टिकिया मिलती हैं जिनको भी आप जानते हैं या मेरे साइड भी बहुत लोग जो उनकी टिकिया मुझे अच्छी लगती है तो आप कंपेयर कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। मतलब टिकिया का रेट तो अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो मैं 4 तो हम तो भाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 4.5 देंगे। और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जो चटनी में जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर दे रहा है। तो चलिए अब आते हैं अपने स्प्रिंग डोसा की तरफ या नूडल्स डोसा की तरफ। तो अब इसको देखते हैं, इसकी जो फीलिंग है वो बहुत सही है, मतलब पूरा नूडल्स। जैसा कि हम लोग अगर आप डोसा प्लाजा गए होंगे या कहीं भी किसी भी डोसा की फ्रेंचाइजी में गए होंगे तो इस तरह से फीलिंग रहती है। बट इसमें ये आलू भी मिक्स है शायद, हाँ ये मतलब एक बेस देने के लिए इन्होंने आलू भी मिक्स किया हुआ है। अब इसका ये है मेरे ख्याल से ये कितने का दिया, 45। ये 45 रुपीज़ का है, आप कंपेयर कर सकते हैं कहीं का भी आप देखिए। तो इस तरह से डोसा तो आपको मिलने नहीं वाला। डोसे की जो प्राइजेस है वो तो आप कहीं मैच भी नहीं कर सकते इलाहाबाद में और कर भी नहीं पाएंगे अगर आप चाहेंगे तब भी, क्योंकि 45 रुपीज़ में इस तरह का डोसा और 35 रुपीज़ में ये हमारा इनका जो है स्पेशल पिंक डोसा। और हमने पूछा कि ये इसको पिंक कैसे करते हैं तो उन्होंने बोला यही बता देंगे तो फिर लोग आएंगे क्यों देखने या टेस्ट करने कि इसे पिंक क्यों कहते हैं। और इसकी अगर फीलिंग देखें तो फीलिंग में हाँ चटपटी आलू है। अब बाकी जो मीठा और तीखापन की जो बात है वो देखते हैं, तीखे और खट्टेपन की। है हल्का तीखा भी है, हल्का खट्टा भी है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ही बाइट लिया हुआ है तो क्या पता वो पूरा फ्लेवर नहीं आया होगा, बट है तीखापन और खट्टापन दोनों है। तो अगर आप बात करें डोसे की रेटिंग की तो अगर आप प्राइस से मैच करके करेंगे तो फिर 4 और 4.5 के ऊपर, 4 के ऊपर ही आप रेटिंग देंगे 5 में से, क्योंकि हमने देखा है और हमने बात भी किया है कुछ लोगों से जो आते हैं 100-150 रुपये में अपना वीकेंड मना के चले आते हैं विद फैमिली। चार लोग आए, 20-20 रुपये का डोसा लिया, 20 रुपये का नूडल्स लिया, 100 रुपये हुआ केवल, और भी जो चीज़ें हैं रसगुल्ला ले लिया। बर्थडे पार्टी किया था हमने, अच्छा 400 रुपये में 400 रुपीज़ में बर्थडे पार्टी किया था। कितने लोग थे? 22 लोग थे, 400 रुपये 20 लोग थे, 400 रुपये में पार्टी किया था। वो आए केवल डोसा का, उन्होंने कहा ऑर्डर लग दिया, डोसा मैंने सबको दिया, उन्होंने केक कटिंग किया। अब इससे ज़्यादा हम भी कुछ नहीं कह सकते कि 400 रुपये में आप 20 लोगों को बर्थडे पार्टी दे दीजिए। मैंने दिया है 2300 रुपये में 22 लोगों को बाबा ढाबा में,
लेकिन वो बहुत दूर पड़ा था तो, लेकिन है खैर टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है। अब हमारी बची हुई बिरयानी और ये चाइनीज़ प्लेटर, इसका भी टेस्ट करके बताते हैं। अब हमारे पास हमारे दो चीज़ें बची हुई हैं जो कि चाइनीज़ प्लेटर और वेज बिरयानी विद रायता, और ये डेजर्ट में इनका गुलाब जामुन। और तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके हम इस प्लेटर से, और उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का वीडियो हमारा ये बहुत मतलब बहुत ना भी पसंद आया हो, पर थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा। तो चलिए ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मंचूरियन और फ्राइड राइस से। मंचूरियन की बॉल और इसकी जो सॉस है वो पूरी एकदम परफेक्ट कह सकते हैं, मतलब सॉस में जो तीखापन हल्का सा होता है, जो मीठापन होता है थोड़ा सा, जो एकदम परफेक्ट बनाता है एक तरीके से, तो वो मतलब इसमें एकदम सही है, बढ़िया लगा मुझे तो। और फ्राइड राइस में भी अगर आप देखें तो जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि फ्राइड राइस को, तो उस हिसाब से ये पूरा, ये नहीं है कि मतलब पैसा कम है तो ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने चीज़ों में बस थोड़ी सी चीज़ें कम कर दी हैं जो कि यूज़ नहीं होती या जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती चीज़ों की उनमें। तो चलिए ये है हमारा स्प्रिंग रोल, करीब आधे घंटे से ये ऐसे रखा हुआ है, हवा में एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, पर तब भी इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो है, अभी तक मेंटेन है, थोड़ी बहुत पूरी नहीं कह सकते क्योंकि है, लेकिन तो ये भी एक तरह से काफ़ी हद तक पास हो चुका है अपने एग्ज़ाम में। अब ये है हमारा चिली पनीर जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिशेज़ है चाइनीज़ में, और इसको हम लोग खाएँगे नूडल्स के साथ। एक आदमी के लिए प्लेटर सफिशिएंट है, आप इसको पेट भर ही जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। अगर एज अ मील खाना है तो आप ये 150 का जो प्लेटर है इसको आप खाइए, आपका पेट भर ही जाना है। और अगर इसको रेटिंग की बात आएगी तो 5 में से 3.84 दे सकते हैं आप, क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं टेस्ट वाइज भी प्राइस वाइज भी। तो अब इसको ख़त्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला मील जो कि वेज बिरयानी है, और अगर हम इसमें दम वेज बिरयानी है तो अब इसमें दम देखना है कितना दम है। खैर अगर फिलिंग के हिसाब से देखा जाए तो फिलिंग तो खैर भरपूर है, और ये केवल और केवल 100 रुपीज़ की है तो उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। अगर आप इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या फिलिंग्स है, तो मटर है, बीन्स है, कैरेट है, और शिमला मिर्च भी कहीं कहीं पे है, और प्याज भी, बाकी गोभी है, तो हैं चीज़ें। एक ये हमारा फ्रूट रायता जो सैलेड वाला रायता बनता है नॉर्मली कई सारी चीज़ों को मिला के। सही है, बट कहते हैं ना हर जगह हर चीज़ परफेक्ट, आप उस लेवल पे अगर आप एज्यूम करें कि जिस तरह से आपने इनका प्लेटर देखा या जिस तरह से इनका वो टिकिया चाट है, तो उस हिसाब से तो मतलब नहीं है, बट लेकिन फिर भी 3.2-3.5 आप 5 में से रेट कर सकते हैं इसको। और आप वैसे मुझे वेज बिरयानी ज़्यादा पसंद नहीं तो मैं नहीं बता सकता ज़्यादा, बट ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा ये डेजर्ट गुलाब जामुन, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर तो ज़रूर करिएगा। और इसकी चाशनी में अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो ये तो मतलब एकदम शहद टाइप की लग रही है, जैसे शहद में एकदम थिक कंसिस्टेंसी होती है। तो इसको एक बार
ये हमारा बहुत ज़्यादा मीठा है भाई साहब, सीरा जो है बहुत ज़्यादा ठीक है और बहुत ज़्यादा मीठा है, और हमें इनकी रसगुल्ला और रसमलाई ये दोनों बहुत अच्छा लगता, मतलब ठीक लगता है, अच्छा लगता है। ये 20 रुपीज़ का पर पीस है और रसमलाई आपको 30 रुपीज़ पर पीस मिलेगी। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी कुछ नए खाने के साथ, कुछ नए स्वाद के साथ। धन्यवाद।